हेलो स्टूडेंट्स, आज 27 अगस्त 2018 है और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। करंट अफेयर के साथ साथ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जीके फैक्ट भी बताता हूँ और पीडीएफ के साथ देता हूँ। तो जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन किया था उसका आंसर मैं लास्ट में ही बताऊंगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन और करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, द रेस्टलेस सेव किसकी आत्मकथा है? जॉन मैककेन की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है। बहुत ही प्रसिद्ध ये पुस्तक है, द रेस्टलेस सेव। जॉन मैककेन ने इसको लिखा है, इनकी ये आत्मकथा है। जॉन मैककेन कौन है? अमेरिका के एरिजोना प्रांत से ये 6 बार सीनेटर रह चुके हैं। भारत में, एक चीज ध्यान में रखिएगा, भारत में संसद के सदस्य को संसद बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में संसद नहीं चलता है, वहां पे सीनेटर चलता है। ठीक है, तो ये सीनेटर थे। ये किस लिए प्रसिद्ध थे? वॉर हीरो इनको कहा जाता था, वॉर हीरो के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बता रहे थे कि सर टेलीग्राम पे आ जाइए। मैं टेलीग्राम पे आ चुका हूँ, जल्दी से जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं जीके से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे आपसे शेयर करते रहूँगा, तो जाइए जल्दी से फॉलो करिए वहाँ पे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में हिमा दास ने कितने मीटर की रेस में सिल्वर मेडल जीता है? इन्होंने 400 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल को हिंदी में रजत पदक भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। हिमा दास के बारे में एक चीज़ जान जाइए, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल भी जीतकर इतिहास रचा था। हिमा दास ये कहाँ की हैं? असम की हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एशियन गेम्स में दुती चंद ने महिला के 100 मीटर दौड़ में इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। फवाद मिर्जा जो हैं एक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी जंपिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। मोहम्मद अनस जो हैं ये भी 400 मीटर के दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और आपको नोट करके चलना है। ठीक है, हालांकि मैं एशियन गेम्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जब भी एशियन गेम्स खत्म हो जाएगा तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपका रिपीट हो जाए अच्छे से। ठीक है, और एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर जीके के लिए कौन सा अच्छा बुक है, तो लुसेंट का सबसे अच्छा बुक मैं मानता हूँ कि लुसेंट सबसे अच्छा बुक आता है। वैसे तो किरण का भी है, लेकिन लुसेंट का जीके जो बुक है वो बहुत ही अच्छा मुझे पसंद आता है। अगर आप वो चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वो आप वहाँ से जाइए और लिंक पे क्लिक करिए और बुक पे जाइए, अमेजोन खुलेगा, आप वहाँ से उसको खरीद सकते हैं। ज़्यादा रेट नहीं है, 130 या 35 रुपये करीब है। और इंग्लिश का बुक अगर चाहते हैं आप, किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं आप, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी चीज़ का, तो इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंग्लिश का एक बुक है केडी कैंपस का, केडी पब्लिकेशन का, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दो ऐसी पुस्तकें हैं जो अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिए और चाहिए तो खरीद सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय रक्षा बल ने ट्रांस हिमालयन बाइकिंग अभियान लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? इंडियन एयरफोर्स ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है ट्रांस हिमालयन बाइकिंग अभियान। ठीक है, 86वीं वर्षगांठ पर इस तरह का आयोजन शुरू किया गया है। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में जान जाइए। दौलत बेग ओल्डी से किबीथू तक बाइकिंग करेगा, ठीक है, कौन करेगा? भारतीय वायुसेना के 18 सदस्य। ठीक है, कितने सदस्य? 18 सदस्य। दौलत बेग ओल्डी ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। यहाँ से किबीथू अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 4500 किलोमीटर से अधिक का यात्रा ये लोग करेंगे। 18 वायुसेना है ये, इसमें से 12 जो हैं राइडर हैं और 6 इनके सहायक हैं। इसका उद्देश्य क्या है? वायुसेना में वायु सैनिकों के अंदर साहसिक भावना पैदा करना, इसका उद्देश्य यही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर था। ठीक है, अब यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स दिख रहे हैं, उनके चीफ इंपॉर्टेंट है, जान जाइए, एग्जाम्स में पूछता है। इंडियन आर्मी चीफ यानी भारतीय सेना के चीफ हैं बिपिन रावत, इंडियन नेवी चीफ यानी भारतीय नौसेना के चीफ हैं सुनील लांबा, इंडियन एयरफोर्स चीफ यानी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं चीफ बीरेंद्र सिंह धनोआ। ठीक है, और एक चीज़ और जान जाइए, जीके है कि भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने
बॉन्ड आई नामक अपना पहला सार्वजनिक बॉन्ड लॉन्च किया है। किस बैंक ने लॉन्च किया है? विश्व बैंक ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, बॉन्ड आई, बॉन्ड आई को पूर्ण रूप से क्या कैसे जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? देख लीजिए, ब्लॉकचेन ऑफ एयर्ड न्यू डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, और बॉन्ड आई लॉन्च किया है और पहली बार किस बैंक में लॉन्च किया है विश्व बैंक ने? कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक बैंक है, इसमें ब्लॉकचेन लॉन्च किया है विश्व बैंक ने। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 को। इसके अध्यक्ष कौन है इस वक्त? प्रेसिडेंट जिम योंग किम। ठीक है, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अब यहाँ पे आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोलते हैं, ये दोनों से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहता है। ये चीज़ आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है, जो कि फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, और विश्व बैंक की भी मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। ठीक है, इतना चीज याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 8 राज्यों में कितने लाख घरों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो 8 राज्यों में और कितने लाख घरों की मंजूरी दे दी है? 1.12 लाख लगभग। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग 1 महीना पहले सरकार ने 2.67 लाख घरों के लिए मंजूरी दिया था। अब उसमें आप जोड़ दीजिए 1.12 को। ठीक है, तो इतना लाख और घर के लिए मंजूरी दे दिया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौन है? ये जान जाइए, हरदीप सिंह पुरी हैं, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हिंद महासागर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किस देश में करेंगी? ठीक है, 27 अगस्त को दो देशों के रवाने पे जाने वाली हैं आज। ठीक है, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है, वियतनाम में हिंद महासागर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। कंबोडिया और वियतनाम, ये दो देश के दौरे पर जाने वाली हैं, जो कि इनका 4 दिवसीय दौरा होगा। 27 अगस्त को ये प्रस्थान करेंगी, यानी आज। ठीक है, वियतनाम की राजधानी है होनोई, कैपिटल यहाँ पे लिख दीजिए, कैपिटल वियतनाम की कैपिटल है होनोई। यहाँ के प्रेसिडेंट है ट्रान डाई कांग, यहाँ की करेंसी का नाम है वियतनामीज डोंग। कंबोडिया जो आप देख रहे हैं, कंबोडिया की राजधानी है फ्नोम पेन, और यहाँ के प्रेसिडेंट है हुन सेन, और यहाँ की करेंसी का नाम है कंबोडियन रियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस यूनिवर्सिटी ने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रखने का फैसला किया है? कौन सा यूनिवर्सिटी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर है, जिसको शॉर्टकट में JNU भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाल ही में वहाँ पे एक नया रायपुर, एक शहर का नाम है, उसका नाम बदल कर उसने अटल नगर करने का फैसला किया है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की अभी मृत्यु हाल ही में हुई है, इनसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है सभी आपको जानना जरूरी है, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारत के सभी कॉलेज कैंपसों में जंक फूड के बेचने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? ठीक है, भारत के सभी कॉलेजों में UGC ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है, UGC जो कि सभी विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और सभी यूनिवर्सिटी इसके अंडर में काम करती हैं, इसने ये आदेश दिया है कि जंक फूड नहीं बेचा जाएगा कॉलेज के कैंपस में, किसी भी कॉलेज के कैंपस में। UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यहाँ पे इस मिला लीजिए, ग्रांट्स कमीशन होता है एस्टेब्लिश, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इस वक्त इसके चेयरमैन है UGC के DP सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में नारीवादी विदेश नीति लॉन्च करने की घोषणा की है? किस देश ने? स्वीडन ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है, स्वीडन ने नारीवादी विदेश नीति लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्टीफन लोफवेन, और यहाँ की करेंसी का नाम है स्वीडिश क्रोना। अब यहाँ पे स्वीडन का बात चला है, यहाँ के ही रहने वाले थे कौन? अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन है? उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, वे स्वीडन के ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने
किस दवा पर निजी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध को हटाकर 1 सितंबर से बेचने की अनुमति दे दी है। हाल ही में 1 जुलाई को इस दवा पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन फिर से इसको प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब 1 सितंबर से निजी कंपनियां यानी प्राइवेट कंपनियां इसको बेच सकेंगी। कौन सी दवा है ये? ऑक्सीटोसिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑक्सीटोसिन। ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसका PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने विधान परिषद की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? उड़ीसा ने। अगर यहाँ पे विधान परिषद बन जाता है पूर्ण रूप से, तो ये इस तरह का 8वां राज्य हो जाएगा विधान परिषद वाला। अभी तक कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। विधान परिषद है जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन था, दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बारे में उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में मिलता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर था, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बारे में उल्लेख है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं अनुच्छेद 51 क और अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 क में क्या है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, अब चलिए आज का प्रश्न पूछता हूँ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी गई एक पुस्तक अटल जी ने कहा लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में मिलता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट चलिए कमेंट में लिखिए, और आप मुझे टेलीग्राम से तो जुड़िए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसा सजेशन देना चाहते हैं तो।